जी तो अभी जा रहे हैं गांव, वहां पर खेतों में पानी लगाना है और मवेशियों का घास चारा वगैरह भी लेना है और जो भी आज की डेयरी की रूटीन होगी वो आप सबसे शेयर करेंगे। रात्रि मौसम जी तो अभी पहुंचे हैं गांव जहां पर आज पानी लगाना है और घास भी लेना है मवेशियों के लिए। तो अभी चलता हूं मैं ट्यूबवेल चलाने के लिए। ट्यूबवेल चला के आते हैं, मक्की की फसल को पानी लगाना है तो उसके बाद फिर घास काटेंगे। जो भी आज की डेली की रूटीन होगी वो आपसे शेयर कराएंगे। जी तो अभी आम देखे हैं, मैं पानी लगाने जा रहा हूँ। रास्ते में मेरे आम का पौधा आ गया है तो आम की इमली जो है वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कितना रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसे करीब से आपको दिखाता हूँ। जी तो देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो चुकी हैं अभी आम की जो इमली हैं ये देखें, तो काफ़ी सारे ये देख सकते हैं आप। तो बस ये 10-15 दिन तक बहुत ही बड़े हो जाएंगे। अभी भी चटनी के लायक काबिल तो वैसे बन गए हैं ये देखें, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पूरे ही पौधे के ऊपर ये आप देख सकते हैं कैसे घुंघरे, कैसे ही खूबसूरत नज़ारा ये आप देख सकते हैं, अमेजिंग। और यहाँ पर पास में एक पौधा है जिसे हम लसूड़ा बोलते हैं, जिसका अचार बनता है। तो इसने भी माशाल्लाह अपना जो है ना फल चुकना शुरू कर दिया है ये देखें आप। तो इसके ऊपर भी इसके बीज लगना शुरू हो गए हैं। तो ये भी 10-15 दिन तक जैसे आड़ू होता है या खुमानी होती है तो इस तरीके से इसके फल होते हैं जिसको हम अचार में डालते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी इसने बीज ये देखें उठाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्लोज से भी। जी तो अभी पहुँचा हूँ मैं, पानी भी खेतों में आ चुका है तो सब्ज़ी में। तो आइए आपको खुशखबरी एक दिखाता हूँ कि भिंडी जो है आज रेडी हो गई है, लेकिन आज इसे नहीं तोड़ेंगे, आज मैं इसे पानी लगा रहा हूँ और इसमें खाद वगैरह भी डाल रहे हैं। तो जैसे 2-3 दिन बाद पानी खुश्क होगा तो भिंडी तोड़ेंगे और उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करेंगे। देखिए ताज़ी भिंडी की सालन कैसे बनता है। जी तो ये देखें माशाल्लाह ये भिंडी जो है आपके सामने, ये देखें ये बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है तोड़ने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड पर भी इसके दूसरा फल लगा हुआ है ये देखें। तो ये अभी 2 से 3 इंच के फल इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये देखें। तो तमाम पौधों के ऊपर जो है ना ये आप देख सकते हैं ये भिंडी लग गई है। तो यहाँ पर भी आप देखें ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि मेरी मेहनत कैसे रंग लाई है। आगे आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ी बड़ी जो है ना भिंडी इसके ऊपर अभी लगना शुरू हो गई है ये देखें। और सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है अपनी फसल को देख के। और सामने जब ये लौकी के फूल जो सुबह सुबह लहराते हैं ना वाइट कलर में, तो बहुत ही दिल को सुकून और खुशी मिलती है। ये देखें ये कैसे जो है ना खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पानी लगा हुआ है खेतों में। जी तो माशाल्लाह पानी यहाँ से ट्यूबवेल से शुरू हो गया चलना। तो ये यहाँ से ये देखें ये आ रहा है और ये जा रहा है हमारी मक्के की फसल की तरफ पानी। तो मैं भी चलता हूँ इसके साथ साथ। तो आइए चलते हैं, पानी मेरे साथ साथ ये नीचे देख रहे हैं आप ये जा रहा है खेतों की तरफ। तो चलते हैं, आज मेरे ख्याल में तो मक्की को आखिरी पानी है तो इसी पानी के साथ जो है मक्की बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बस जैसे पानी इसका खुश्क होगा तो इसकी कटाई शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी तो पानी जो है ये देखें ये मक्की की फसल में पहुँच चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो गया पानी। तो मक्के की फसल देखें सुबह सुबह कैसे लहरा रही है,
तो ये पानी आगे भी जा रहा है दूसरे खेत में, दो खेतों को मैंने पानी साथ लगाया है। तो पानी पहुंच चुका है खेतों में, तो अभी ये खाद भी मैं साथ ले गया हूँ, तो ये खाद मक्की की फसल में डालेंगे, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी, तो इसे फिर कट करेंगे मवेशियों के लिए। जी तो माशाल्लाह ये देखें, ये खेत जो है ये मक्की का पानी से भर चुका है, तो अभी दूसरे खेत में मैं पानी लगाने जा रहा हूँ, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, धूप है, गर्मी है काफ़ी, तो माशाल्लाह ये भी जल्द ही रेडी हो जाएगी। तो इस खेत को पानी लग चुका है, ये भर चुका है पानी से, अभी चलते हैं दूसरे खेत की तरफ, उसको पानी लगाना है, तो आइए चलते हैं। तो वहाँ पर दो खेत हैं मक्के के, उनको पानी लग गया है, तो अभी आ गए हैं इस साइड पे, ये जो मेरे पीछे आम के बगीचे में मक्की के फसल है, तो इसको पानी अभी लगाते हैं, और सब्जी को भी पानी लगाना है तो उसको भी लगाते हैं। यहाँ से पानी को चेंज करेंगे, ये ढकना ऐसे निकालेंगे, तो पानी जो है इतना जोर से निकाल कर जा रहा है, मक्की में भी जाएगा, तो इसको बंद करें, ये पीछे आ रहा है वापस। तो अभी पानी जो है ये पहुंच रहा है जी यहाँ से ये सब्ज़ी की तरफ, तो सब्ज़ी के खेतों में मैंने आज खाद भी डाल दी है और पानी भी इसे लगा रहे हैं, तो अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कैसे कमाल इसमें रौनक आती है, तो मस्त हो जाएगी हर चीज़, भिंडी भी, गुआर भी, और लौकी हो गया, हरी तुरी की बेलें होंगी, ये सब जो है ना अभी फूलों से लदे हुए हैं, तो इनके ऊपर ऐसे भी फल लगेंगे कि आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जो फैमिली कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, और थोड़ी सी बात आप सबसे यूट्यूब फैमिली से शेयर करनी थी कि कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि भाई कौसर जो है वो जा रही है कराची, तो कौसर को कराची नहीं जाना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका घर है, उसका शौहर से जहाँ भी ले जाए रखे अपनी खुशी से। और मैं आप सबसे एक बार आज बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी सितारा बहन भी है और उसे मैं बेटी की तरह प्यार भी करता हूँ, तो मैं अपने ईमान से ये कह रहा हूँ कि कौसर भी मेरी वैसे बेटी और बहन है, मैं उसे इस तरह से प्यार करता हूँ और उसे ऐसे मानता हूँ अपनी बहन की तरह। तो मेरे दिल में आज तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जी साजिद की दूसरी शादी हो गई तो ये बड़ा बहुत बड़ा मसला बन गया। देखिए भाई ये होता है नसीब मुकद्दर, अल्लाह ताला ने इसको ये फैसला है जो हम सबको मानना है। तो अब इस झंझट को लेके हम बैठ जाएं कि जी ये शादी हो गई अब मेरी बहन के ऊपर मसला होगा, तकलीफ होगा, ये जहन को समझाने की बात है, हर कोई अपना नसीब खाता है, ठीक है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें अच्छे कमेंट्स करें, ये बाकी ये अब होगी शादी, ठीक है, इतना काफी टाइम से, तो वो अपना नसीब खा रही है, वो अपना नसीब खा रही है, तो हमें अभी चाहिए कि हम दोनों को सपोर्ट करें, साजिद भाई को, कौसर बहन को और सितारा को, कि वो आपस में आगे जो है उनकी जिंदगी का सफर वो यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे, आपस में वो बहने बन के प्यार से रहे। तो सितारा भी मान गई है कि अभी कौसर को जो है आना चाहिए कराची में, मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि साजिद दो महीने एक महीने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है पंजाब गाँव कौसर को लेने के लिए, या कौसर को पता करने के लिए, या उसे अखराजात देने के लिए, वो आता है या तो पीछे कराची उसके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनको स्कूल लेना वापस उठाना, और सितारा भी डिस्टर्ब होती है, अकेली पड़ती है, इसलिए अम्मी का साथ बुलाया हमने, अम्मी उसके पास रह रही है। तो हम सब इस फैसले से मुतमईन हैं कि कौसर उसके साथ रहे। तो पूरी यूट्यूब फैमिली मैं ये दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी के दबाव में हूँ या मैं किसी से डरता हूँ, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ, मैं खुद इस फैसले से खुश हूँ कि कौसर उनके पास रहे, ठीक है, उसका भी हक है जैसे सितारा का हक है, दोनों का हक बराबर है, और साजिद को चाहिए जैसे ही वो इस वक्त तक उन दोनों को हकूक और अखराजात दे रहे हैं बराबर, मैं ईमान से ये कहता हूँ कि अभी भी उसका हक है उसके पास रहे। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत प्यार सलाम,
और आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, अल्लाह ताला उनको अपना नया एक जिंदगी गुजारने का आगाज का सफर कामयाब और तरक्की दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।